महासापुरा न्यूज कच्छ जो दबकार ने कच्छ ये जो हुंकार और टोटल कास्टिंग अक्टूबर माह में 28,025 टन हुई थी, वो भी एक ऑल टाइम। इसी प्रकार डीआई पाइप के डिस्पैचेज भी 29,100 हुए थे दिसंबर में। प्रोडक्शन के अलावा वातावरण से रिलेटेड एयर क्वालिटी के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, जिनसे और एक वाटर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट का मॉडिफिकेशन किया गया था 301 यार्ड में। कुछ क्वालिटी चेक की जा सके। आजकल वातावरण पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो उसमें हमने प्लांटेशन एरिया का काफी विस्तार किया था और लगभग 2,00,000 प्लांट सैपलिंग्स लगाई। सेंट्रल लेबोरेटरी भी लगाई गई थी। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। इंटेंसिफिकेशन किया गया था 2013 में, जिससे कि हमारा इंसिडेंसेस का रेट भी बहुत, हमारे यूनिट को एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जीरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। ये सब तरक्की करने के लिए ट्रेनिंग्स की जरूरत। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। भरा नहीं जो भावों से बहते जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मातृभूमि के सम्मान जब जीरो दिया मिले भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशम लो भारत को, देता ना दशम लो भारत को, यूं चाँद पे जाना मुश्किल था, धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था, सबके जहाँ पहले जन्म, सबके की हार्दिक शुभकामना। ये 65वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज एक यादगार दिन है, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हम ये 64 सालों से सुरक्षा, आजादी, समानता, एकता का अधिकार प्राप्त है हमें, और हमने विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, रक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एक उद्योग के रूप में हमारी कंपनी जिंदल सॉ लिमिटेड ने भारत के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम भारत के चुनिंदा उद्योगों में से एक हैं। आज हमारा ओपी जिंदल ग्रुप 18 बिलियन यूएस डॉलर की पूंजी के साथ भारत में एक बड़ी औद्योगिक इकाई है। आप सबको मालूम होगा, ये अभी भारत में ही नहीं, सारे विश्व में जो बोलते हैं इंडस्ट्रियल ग्लोब पीरियड, अर्थव्यवस्था में कठिनाई, इसके बावजूद जिंदल सॉ लिमिटेड सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए अभी भी हम लोग सक्सेसफुली चला रहे हैं। इसमें आई विश टू यू नो थैंक अवर सुपीरियर्स लाइक अवर चेयरमैन त्रिपुरा जिंदल जी,
and the senior members of our directing board who have got the vision to lead us through this tough phase in this industrial scenario. इसके बावजूद जैसे प्रकाश जी ने आपको कहा हमने पिछले वर्ष भी चार नए यूनिट इसी एरिया में ऐड किए हैं, चिकित्सा के लिए फ्री मेडिकल कैंप वगैरह आयोजित किए हैं, इवन अध्यापकों की ट्रेनिंग वगैरह की गई है, रक्तदान के शिविर से 260 यूनिट रक्तदान का भी। अरे भाई राम साहब, अरे पट्टी लगा के रखो, हेलमेट गिर जा रहा, छप्पी से काम करो। अरे अब्दुल भाई चश्मा कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर पीछे। चश्मा लगाओ सही से, सलमान खान मत बनो। ओके सर। छप्पी से काम करो। जी सर। भाई भाई नहीं तो काम चल रहा है, ठीक है ऐसे ही छप्पी से काम करो, ठीक है? तुम सभी लोग पीपी लगा करके ही काम करना, ठीक है? मैं देख नहीं आऊंगा, भगवान के सहारे मत रहना। अरे भाई मंजीत है, इधर आना जरा। पीटर रेड मेरे सुनना पत्थर, अरे इधर तो आएगा, काम तो होता रहेगा। अरे यार ये सेफ्टी वालों ने वास्तव में परेशान करके छोड़ दिया है। हाँ यार। अब तुम ही बताओ ये सब पहले से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता यार। अरे एक्सीडेंट होना या ना होना ये तो अपने भगवान के हाथ में है। हाँ यार। ये पृथ्वी थोड़ी ही बचाएगी। हाँ यार, हम भी तो वही कहते हैं कि गॉड के ऊपर छोड़ दो, सेफ्टी वाला तो खाने पीने चिल्लाता रहता है। ओ भैया पीपी क्या है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है वो सलमान खान का जो गाना निकला है ना, उसमें वो गाना है पो 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 पो, वही है क्या? हेलो, अरे यारो ये पीपी भी कोई गाना वाना नहीं है। अच्छा, ये तो एक इंग्लिश वर्ड है, पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सुरक्षा के साधन के उपकरण, ठीक है ना? अभी जैसे हमें कंपनी हेलमेट जूता गॉगल नोज मास्क ये सारी जो चीजें दे रही है वो एक पीपीएस में आते हैं। जरा सोचो अगर हम बिना सेफ्टी के उपकरणों के काम करते प्लांट में, बिना सेफ्टी सूट के, बिना हेलमेट के, बिना चश्मा के, तो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा। अपना ही होगा। कंपनी आपको चश्मा क्यों देती है? सलमान खान बनने के लिए? नहीं, हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना? इसीलिए अब मैं ये आपसे कहता हूँ कि सुनो, तुम सेफ्टी से रहना हो, सभी से कहना हो, सेफ्टी से रहना सबसे है कहना, तो भय न धोखा हम भूल न जाना, ये साथी भूल न जाना, तुम भूल न जाना, तुम ये साथी भूल न जाना, तुम लेते हैं सेफ्टी हर वक्त करें, सबको बता देते हैं, नजारा जिंदल में स्वच्छता का कर दिखाना है, साधन स्वच्छता के दोस्तों सबको अपनाना है, होंगे हम सच्ची तो हरियाली नजर आएगी, हिंदू परिवार में खुशहाली नजर आएगी, तभी लोगों ने सामने से आकर बहुत ही गर्मी में लगातार 20 घंटे कार्य करके फर्निस के जाम को साफ किया तथा शटडाउन के बाद प्लांट को रनिंग पोजीशन में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोरदार तालियां इन सभी सहकर्मवीरों के लिए। इन छह लोगों में विनोद कुमार सिंह जी हमारे बीच नहीं है, अवकाश के कारण वो अभी घर गए हुए हैं।
इनका जो प्रशंसा पत्र है और पुरस्कार है वो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं बीएफ मैकेनिकल मेंटेनेंस के 6 लोगों के ग्रुप को आमंत्रित करता हूं। मैं दिनकर जेठवानी और शिवाजी जो इस बीएफ मेंटेनेंस की टीम 6 लोगों की टीम ने जो कार्य किया उसकी नेतृत्व दिनकर जेठवानी और शिवाजी अडोनी जी ने किया, उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रशंसा पत्र मुख्य अतिथि से प्राप्त करें। दोस्तों जोरदार तालियां एक बार, ये सभी अनेकों तालियों के लिए बने हैं क्योंकि इन्होंने इस साल ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जिससे हमारी कंपनी को लागत कम करने एवं उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। दिनकर जेठवानी जी जिन्होंने इस टीम का 6 लोगों की टीम का नेतृत्व किया और शिवाजी जी जिन्होंने दिनकर जेठवानी जी के साथ इस टीम का नेतृत्व किया। दशान हो सकता था, इन सभी की बहादुरी अत्यंत प्रशंसनीय है। जोरदार तालियों से मित्रों इनको ढेरों ढेर बधाई। दुर्गेश कुमार पांडे दिए हैं। नाम लेना चाहता हूँ दीक्षित पाठक का, जब शटडाउन के दौरान उत्पादन कम से कम प्रभावित हुआ। रामकिशन पाल जी डीएसपी मोल्ड शॉप का नाम लेना चाहूंगा, लीक के कारण ये भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। इन्होंने 100 वेल्डिंग के द्वारा मोल्ड की मरम्मत की जिसकी वजह से 60 नग मोल्ड किए जा चुके। हमने फ्लक्स का दोबारा इस्तेमाल करके पूरे साल के उपभोग में लगभग 20% फ्लक्स की बची बढ़ गई, साथ ही ब्रेकडाउन में भी कमी आई। इसके अलावा इन्होंने सेपरेशन टैंक का विकास किया जिसे ऑटो ड्रेन वाल्व द्वारा हवा में नमी को दूर करने में मदद मिली। तो तालियां आप कंटिन्यू ही रखिए क्योंकि ये सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। और जब किसी मशीन में ब्रेकडाउन आता है तो पहले से ही उस मशीन को दुरुस्त करने की तैयारी भी रखते हैं। जोरदार तालियां मित्रों। वासु कुमार एसडीपीडू सीसीएम का नाम लेना चाहूंगा, ये भी अवकाश के कारण हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अगर कोई इनका इनाम या इनके एचओडी यहाँ उपस्थित हो तो इनका पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र। लागत में कमी आई और उत्पादन बढ़ा, सभी जितने भी लोग हैं सभी ने अत्यंत प्रशंसनीय कुछ अलग कुछ नया कार्य किया है। नाम लेना चाहूंगा शंभुनाथ गुप्ता एसडीपी 1 सीसीएम का, इन्होंने 8 घंटे की अपनी शिफ्ट में। अजय कुमार सिंटर मैकेनिकल मेंटेनेंस। मिस्टर इस्माइल पिछले जहां हॉट मेटल हमेशा रहता है, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सिलेंडर को डिस्चार्ज वाल्व को बहुत साहसिक एवं समझदारीपूर्ण तरीके से कसा। Thank you.
पार्टी में तो ना है हाथ बढ़ा कर देखो, सोने की गंगा है चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर के धान उगा कर देखो, नया खून है नई उमंग भक्ति नहीं जानी, हम हिंदुस्तानी के इस गणतंत्र दिवस को हम लोग गणतंत्र उत्सव के रूप में पिछले 16 दिन से मनाते आ रहे हैं। आज का दिन हमारे इस उत्सव का आखिरी दिन है, लेकिन यह प्रोग्राम आखिरी नहीं है। इस प्रोग्राम के बाद इस उत्सव का समापन समारोह आधे घंटे के ब्रेक के बाद होगा, जो हमारे विभिन्न गतिविधियां की, हमने खेलकूद की, उसका पुरस्कार वितरण समारोह, क्रिकेट का फाइनल मैच इस प्रोग्राम के बाद रखा गया है। आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग उसका पूरा आनंद उठाएं, उसके बाद अपने घर जाएं। मैं आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे संस्थान के उच्चाधिकारियों का, समस्त स्टाफ का, स्कूल स्टाफ का, नन्हे मुन्ने बच्चों का हृदय से आभारी हूं। मैं आभारी हूं स्कूल के बच्चों का, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, एडमिन डिपार्टमेंट का, और टीम एचआर और ईआर का, जिसके अथक प्रयास से आज का यह प्रोग्राम सफल रहा।